ओम गुरुवे नमः। सिद्धि मार्ग भार सहित होता है और मुक्ति मार्ग भार रहित होता है। मतलब भले ही हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाएं या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य ही हमें क्यों ना पता लग जाए, मतलब हमें इस सारे ब्रह्मांड का ही ज्ञान क्यों ना हो जाए, हमें सिद्धियों के साथ साथ ज्ञान का भी भार महसूस होता है। लेकिन जो मोक्ष मार्ग होता है या फिर जो मुक्ति मार्ग होता है, जिसे आप परमार्थ का मार्ग भी कह सकते हैं, उसमें चलने वाला साधक खुद को भार रहित महसूस करता है। मतलब किसी भी तरह का भार उसे महसूस नहीं होता है, क्योंकि परमार्थ का मार्ग मतलब इस शरीर से, इस संसार से, सिद्धियों से, भूत प्रेतों से, पूर्व जन्मों से, या फिर हमारे प्रारब्ध से, या फिर इस माया से, या फिर मानव निर्मित व्यवस्थाओं से ऊपर उठ जाना, मतलब इन सभी सांसारिक वस्तुओं का एक आम इंसान को ज्ञान हो जाना या फिर बोध हो जाना, हमारे इस शरीर के साथ साथ इस पूरे संसार का या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का बोध एक साधक को तभी होता है जब वो मोक्ष मार्ग पर चलता है, जब वो परमात्मा के मार्ग पर चलता है। और जब एक साधक को परम शून्य का बोध हो जाता है तो फिर वो भार रहित अवस्था में पहुंच जाता है, एक आनंद वाली अवस्था में पहुंच जाता है, जो कि वास्तविक परमात्मा की वास्तविक अवस्था होती है। लेकिन जब तक एक इंसान माया के अधीन रहता है, तब तक उसका जीवन भार सहित ही गुजरता है। भले ही उसे किसी भी तरह की कोई सिद्धियां प्राप्त हो जाए या फिर इस भौतिक जगत के बड़े से बड़े सुख उसे प्राप्त हो जाए, फिर सिद्धि मार्ग की बहुत सारी उपलब्धियां ही उसके पास क्यों न हो, उसका जो जीवन होता है वो पूर्ण रूप से भार रहित नहीं होता है। और परमात्मा जैसा कि होने का विषय होते हैं, परम शून्य में विलीन होने का विषय होते हैं, तो उस अवस्था में हमारी बुद्धि का भी कोई काम नहीं होता है। और परमात्मा नाम का जो ये पर्टिकुलर वर्ड है, जो कि हमारी बुद्धि द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, इस शब्द का भार भी उस अवस्था में नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा होने का विषय होते हैं। मतलब हो गए तो माया रूपी इस संसार से, या फिर हमारे प्रारब्ध से, या फिर पुनर्जन्मों से, या फिर किसी भी तरह के ज्ञान को भी हम पूर्ण रूप से पीछे छोड़ देते हैं या फिर उनका त्याग कर देते हैं। ज्ञान का भी एक दिन त्याग करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान भी एक तरह का भार ही होता है। मतलब शून्यतम वाली अवस्था ऐसी नहीं होती है कि जैसे कि मैं दिमाग से सोच रहा हूँ कि मैं शून्यता की अवस्था में जा रहा हूँ, वहाँ हमारी बुद्धि का या फिर हमारे मन का या फिर हमारे सोचने का भी कोई काम नहीं होता है। मतलब ये तथ्य या फिर ये विषय तो दूर दूर तक शून्यता की अवस्था में होते ही नहीं है। और आज अगर हम अपने आप को भार सहित महसूस करते हैं, हमारे सर में हमें भारीपन लगता है, तो वो इस संसार को अपने अंदर भरने की वजह से लगता है। और इस संसार को हमारे अंतकण में भरने का काम हमारे मन ने या फिर हमारी बुद्धि ने किया था, और ये दोनों माया के अधीन होते हैं। मतलब माया का एक ऐसा आवरण होता है, वो हमसे कहेगी कि इस संसार में ही खाओ पियो ऐश करो, 4 दिन की जिंदगी है तो इसे खाली फालतू में वेस्ट मत करो, आंख अपनी बंद मत करो, ध्यान मत करो, मंत्र जप मत करो, साधना मत करो। और 99% जो माया होती है वो एक आम इंसान से ऐसा करवाने में कामयाब भी रहती है, क्योंकि एक सांसारिक का जो जीवन होता है वो माया द्वारा चलाया जा रहा होता है। उसके मन में इस भौतिक संसार को भोग करने के लिए तरह तरह की इच्छाएं प्रकट होते रहती हैं, और उसकी बुद्धि उन इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए तरह तरह के आइडियाज उसे देते रहती हैं। तो एक जो आम इंसान होता है, जो सांसारिक होता है, वो पूरी जिंदगी अपने बुद्धि और मन के अधीन ही रहता है, और वैसे ही अपना समय खराब करता रहता है। और अगर कोई साधक बुद्धि और मन का ये गेम प्लान जान जाता है और इस शरीर से या फिर इस संसार से ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो माया द्वारा ही उसकी परीक्षा भी ली जाती है, उसे दंडित भी किया जा सकता है, क्योंकि माया पहले ही हमारे बुद्धि और मन के द्वारा हमें मनवा देती है कि ये भौतिक जगत ही आखिरी जगत है, तुम्हें जो भी करना है यही करना है, खाना है, पीना है, शादी करनी है, विवाह तंत्र की चपेट में आना है, अपने प्रारब्ध को खींचना है, ये सब करने के दौरान तुम बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, ऐसा करने के बाद इसी भौतिक जगत में तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत होने लगेगी, इज्जत भी एक इंसान चाहता है। तो एक आम इंसान बहुत आसानी से माया के लपेटे में या फिर चपेटे में आ जाता है। लेकिन वास्तव में जो माया है उसके 2 रूप हैं। हमारे भौतिक जगत में, मतलब इस सांसारिक जगत में जो माया का आवरण होता है उसे महामाया कहा जाता है, और हमारे इस शरीर से या फिर इस संसार से जो डिटैच माया है उसे योग माया कहा जाता है। और जो योग माया है उसका आवरण इस पूरे ब्रह्मांड में रहता है, वो आध्यात्मिक जगत वाली माया है या फिर परमार्थ के मार्ग वाली माया भी आप उसे कह सकते हैं। लेकिन महामाया के आवरण से बाहर निकलने में और आध्यात्मिक जगत वाली योग माया के आवरण में आने से पहले एक साधक या फिर एक इंसान की बहुत बुरी तरीके से परीक्षा भी ली जाती है महामाया द्वारा। और जो योग माया है, जो सूक्ष्म जगत वाली या फिर आध्यात्मिक जगत वाली जो योग माया है, उस योग माया की जो परछाई है
उसे महामाया कहा जाता है। तो ये तो है माया के दो स्वरूप। मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लो कि इस संसार को जो लोग पसंद करते हैं, इसी संसार में जो लोग भोग करना चाहते हैं, वो महामाया के आवरण के अंडर में होते हैं, या फिर उनके ही द्वारा उनका भौतिक जीवन हैंडल किया जा रहा होता है। लेकिन जो इस संसार से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो महामाया द्वारा उसे दंडित भी किया जाता है, लेकिन बहुत सारी परीक्षाओं में पास हो जाने के बाद वो योग माया के आवरण में भी आ जाता है। मतलब उसके बाद माया भी उसके अधीन हो जाती है या फिर उसका मार्गदर्शन करने का काम करती है। लेकिन एक संसारिक की आध्यात्मिक जागृति या फिर आत्म जागृति होने से पहले महामाया द्वारा उस साधक को तरह तरह से परीक्षा के तौर पर दंडित भी किया जाता है, और ये एक वास्तविक सत्य भी है। एक साधक के अंतकण में बहुत ज्यादा बदलाव हो जाते हैं जिस दिन उसे माया का बोध होता है। उसे पता लगता है कि मेरा जीवन या फिर ये भौतिक संसार माया द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन एक आम इंसान तो माया को भांप भी नहीं पाता है। उसे लगता है कि जो भी मैंने किया था मेरे बौद्धिक बल के सहारे किया था, या फिर मेरे शारीरिक बल का इस्तेमाल करके ही मैंने इस भौतिक जगत में उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वास्तविकता तो मैंने अभी आपको पूरी तरह से बताई नहीं है। वैसे अगर एक कॉमन फैक्ट भय की बात अगर मैं करूं, बहुत सारे जो इंसान या फिर जो साधक होते हैं उन्हें भय बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि जो भय आपको लगता है वो आपको ना लग के किसी और को लगता है, तो आपको कैसा लगेगा? और अगर मैं ये कहूं ये एक वास्तविक सत्य भी है और अगले किसी वीडियो में मैं इसे क्लियर करने वाला हूं, तो फिर उस वीडियो के बाद बहुत सारे साधकों के पैरों के नीचे से दूसरे ग्रह की जो ये मिट्टी है वो जरूर खिसकने वाली है। और हाँ, मुझे एक महानुभाव ने व्हाट्सअप किया था, उनके घर में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ है। उन्होंने मुझे बोला कि आप इस बच्ची का नाम रख दीजिए। तो देखिए, नाम तो पंडित जी ही रखेंगे और मैं कोई पंडित जी तो नहीं हूँ, क्योंकि ये तो उनका ही काम होता है और जो काम जिनका होता है वो काम उन्हीं के द्वारा करवाया जाना चाहिए। हालांकि कभी कभी मुझे अपने आप पर शक होता है कि मुझ पर लोग इस कदर विश्वास करते हैं कि उनके घर में किसी बच्ची का जन्म होता है तो वो मुझसे कहते हैं कि अब आपको ही इस बच्ची का नाम भी रखना है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कभी कभी अपने आप पर शक होता है। एनीवेज, इस चैनल के ज्ञान से अगर आपके अंतकण में सुधार हो रहा है तो आप स्वेच्छा से इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। किसी न किसी वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर या फिर QR कोड आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। ओम गुरुवे नमः। 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 ओम गुरुवे नमः।